हेलो दोस्तों, फिर से एक न्यू स्मार्टफोन लेकर आए हूँ आप लोगों के लिए, ओप्पो K10 5G। अगर आप लोगों ने पहले भी रिव्यू देख लिया है तो ये भी देख लीजिए क्या फर्क पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा 3-4 मिनट ही लगेगा आपको। सो गाइस, चलिए मिलकर अनबॉक्सिंग करते हैं, और हाँ, वीडियो को फुल वॉच करना है। सो गाइस, बॉक्स कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, और इसकी पीछे की तरफ आपको नॉर्मल सा कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिलता है। बैक साइड भी देख लीजिए, साइड भी देख लीजिए, और यहाँ से अभी निकलेगा जिन, निकल 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 निकल, मैंने थोड़ा ज्यादा पकड़ के रखा है। वाओ, सो यहाँ पर पहले ही एक ब्लैक पाउच दिया जाता है, सो देखेंगे इसके अंदर क्या है, अभी फिलहाल साइड में रखते हैं। और यहाँ पर है देखिए हमारा मेन प्रोडक्ट। देखने में काफी अच्छा लग रहा है, लुक भी देखो इसका, इसका लुक देख सकते हो आप लोग, काफी अच्छा लुक दिया गया है। सो इसको अभी रखते हैं साइड में, आगे बात करेंगे इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। सो इसका फीचर्स के बारे में बात करेंगे। सो इसके अलावा यहाँ पर चार्जर देखने को मिलते हैं कुछ इस तरह से, और इसके अलावा यहाँ पर भी केबल दिया जाता है। सो और कुछ नहीं है क्या? नहीं। ये क्या है दोस्तों? इसकी प्राइस के बारे में बात करें तो आपको ये फ्लिपकार्ट पर 17,500 के आसपास मिल जाएगा, और इसका जो फर्स्ट लुक है, इट्स ऑसम। इस फोन के लिए आप कितना रेटिंग देना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, और मैं इस फोन के लिए 10 से 10 रेटिंग दूंगा, क्योंकि इसका जो इम्प्रेशन है, इसका जो कैमरा लुक है, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा है, पहली नजर में ही इससे प्यार हो गया है। दोस्तों अगर इसका डिस्प्ले साइज के बारे में बात करें तो आपको 6.56 का इंच का HD और LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है। सो LCD डिस्प्ले जो है ये इतना खास नहीं है, अगर सुपर एमोलेड डिस्प्ले होता तो काफी अच्छा रहता। सो इस बजट के अंदर LCD डिस्प्ले दिया जाता है। दोस्तों बैक साइड पर आपको 7.99 mm का थिकनेस देखने को मिलता है, सो ये काफी अच्छा है। इसके अलावा दोस्तों डबल कैमरा दिया गया है, डबल फ्लैश भी दिया गया है, मतलब आप डबल डबल धमाका कर सकते हो। दोस्तों इसका जो कैमरा है, ये फर्स्ट कैमरा आपको 48 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, और सेकंड कैमरा आपको 2 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। सो अगर सेकंड कैमरा इससे भी थोड़ा अच्छा, मतलब ज्यादा होता तो काफी अच्छा होता। दोस्तों राइट साइड पर आपको पावर ऑन ऑफ की दिया गया है, और उसी पावर ऑन ऑफ की पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलता है। इसके अलावा लेफ्ट साइड पर आपको वॉल्यूम कम एंड ज्यादा करने के लिए भी दिया गया है, और इसका बिल्कुल ही ऊपर की तरफ आपको सिम ट्रे डालने के लिए दिया गया है। अगर आप 2 सिम कार्ड यूज करोगे ना तो आप मेमोरी कार्ड यूज नहीं कर सकते हैं, अगर आप 1 सिम कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड यूज करते हो ना तो इसके लिए ये परफेक्ट है। और हाँ, एक बात तो कहना भूल गया हूँ, इसका जो फ्रंट कैमरा है आपको 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, सो 8 मेगापिक्सल काफी हद तक ठीक है। सो अब बारी है इसको ऑन करना, तो जल्दी से ऑन कर लेता हूँ, हो जा सिम। हाँ, तो मोबाइल ऑन हो चुका है, काफी सारा ऐप दिया गया है, आपका नेट बहुत सारा सेव होने वाला है। भाई और बहनों, स्क्रीन पर टच करने का मजा ही कुछ अलग ही है। सो दोस्तों अब बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। दोस्तों इसका 8GB रैम के साथ में 128GB का स्टोरेज आता है, सो मुझे लगता है कि आपको HD कार्ड का जरूरत नहीं पड़ने वाला है। इसके अलावा दोस्तों 810 का प्रोसेसर दिया गया है, 5000 mAh का बैटरी पिकअप दिया गया है। सो दोस्तों चार्जर आपको 33W का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है, सो ये नाम का फर्स्ट है, कोई काम का नहीं है, आपको 1 घंटा लगेगा मिनिमम चार्ज फुल होने में। इसके अलावा दोस्तों USB टाइप सी केबल साथ में भी दिया गया है। अरे हाँ, एक चीज तो अनबॉक्सिंग करना रह गया है, हमने जो ब्लैक पाउच साइड में रखा था, इसके अंदर आपको बैक कवर देखने को मिलता है, सिम पिन देखने को मिलता है, इसके अलावा जायदाद के कागज मिलता है, आप चाहे तो पढ़ सकते हो, और इसके अलावा ये रहा हमारा बिल, कितना का होगा दोस्तों आपका। इसका वारंटी 1 ईयर्स का मिलता है। इसके अलावा दोस्तों मैंने रिसेंटली 2 फोन का रिव्यू किया है, एक तो है पोको X4 प्रो 5G और दूसरा है ओप्पो रेनो 8 5G। सो आपको दोनों फोन में कौन सा अच्छा लगता है फोन, वो ऑर्डर कीजिए, डिस्क्रिप्शन में एंड एंड स्क्रीन पर मैं डाल दूंगा। तो आपको गेमिंग करके बहुत ही मजा आने वाला है, आप जब भी गेमिंग करो अल्ट्रा वाइड पर गेमिंग करो, आपको अच्छा फील मिलेगा।
दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरह का कंटेंट मैं इस चैनल पर हमेशा लेकर आता रहूंगा।